महेश्वर विधानसभा के नांद्रा क्षेत्र में इन दिनों खरीफ की फसलें अधिक बारिश के कारण पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके कारण से किसानों को अपनी खड़ी फसलें समय से पूर्व काटनी पड़ रही है। अब किसान इस उम्मीद के साथ खड़ी फसलें काटकर रबी की फसल बोने की तैयारी में लगे हैं कि किसानों को रबी की फसल से ही कुछ उम्मीद बाकी है। ड्राम के अतिवृष्टि से प्रभावित किसान रविंद्र पाटीदार और अजय पाटीदार ने बताया कि फसलें बर्बाद होने के बाद पटवारी द्वारा सर्वे किया गया, परंतु अभी तक शासन की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। प्रकृति की मार व सरकार की दोहरी मार के कारण आज किसान कर्ज में डूब गया है। नांद्रा से शिव शंकर रोकड़े की रिपोर्ट। अधिक बारिश के कारण कपास की फसल समय से पहले किसानों को क्या हमको सब निकाल के बाहर करनी पड़ी। बारिश अधिक हुई, नुकसान ज़्यादा, उत्पादन कुछ नहीं मिला। और क्या आप अगली फसल की तैयारी, अब देखते हैं पानी क्या अगली फसल के लिए क्या बचने देगा, नहीं बचने देगा। नुकसान ज़्यादा होने से, इस साल नुकसान ज़्यादा होने से किसानों को बहुत घाटा है, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। राज्य सरकार भी इसका भी कोई ध्यान नहीं है, मुआवजा मिलना चाहिए। राज्य सरकार किसी भी तरह का मुआवजा या कोई भी राशि प्रदान नहीं कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।